क्या हाल है आप लोगों का। मुझे नहीं पता कि आप लोग के भाषा में इस वीडियो को क्या कहते हैं, लेकिन मेरे भाषा में इस वीडियो को केवल बकचोदी ही कहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उस दुनिया का जिसने फिजिक्स का माँ बहन एक करके रख रखा है, जहाँ फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो क्या हो, फर्क नहीं पड़ता फिजिक्स क्या है या ग्रेविटी क्या है या फिर न्यूटन कौन है। तो अपने कान में ब्लूटूथ लगाओ, एयरफोन लगाओ या फिर एयरबड्स लगाओ, मुझे नहीं पता लेकिन लगा लो। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना बकचोदी। ये सब क्या है रोशनी, कौन है ये लोग और आपने इन्हें यहाँ क्यों बुलाया? मेरे स्वयंवर के लिए। स्वयंवर? स्वयंवर, अगर तुम लोग को पता नहीं है कि स्वयंवर होता क्या है तो तुम लोग बिल्कुल सही दुनिया में। स्वयंवर एक खेल का नाम है जिसमें माधर चोद सा टास्क दिया जाता है, टास्क पूरा करने पर तुम लोगों को मिलता है एक अनोखा चीज, और वो अनोखा चीज क्या है ये तो आपको पता ही होगा। अद्भुत, चमत्कार, चांद के टुकड़ा को हाथ पर ऐसे ले आई जैसे कि वो चांद का टुकड़ा नहीं बल्कि आंड का टुकड़ा हो, बिल्कुल खिलौना ही समझ लिया है उसको। नहीं वो चांद थोड़ी है बहनचोद, वो तो क्रिकेट का बॉल है जो किसी के हाथ में भी आ सकता है। जो भी इस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा वो मेरा शौहर बनेगा। भाई वाह, कौन बनेगा इसका शौहर? आप बनोगे? आप बनोगे? अरे बोलो ना यार कमेंट में, आप बनोगे? ये बकलन सा टास्क पूरा करने से अच्छा है कि अपने हाथ से काम चला के लोग मर जाए। मतलब चांद को जमीन पे लाना पड़ेगा, ये कैसे मुमकिन है? जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दे भाई मेरा शौहर बनने के लायक है। ना ना ना, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। जो 5 इंच के गहराई को 7 इंच कर दे वही इनका शौहर बनेगा। कहने का मतलब ये है, जब शादी हो चुकी है फिर भी दूसरी शादी करने का चुल क्यों मच रही है गांड में? अमन इससे ट्राई कीजिए, आप इससे चांद को अपनी तरफ खींच भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। वाह, कहाँ थे आप ज्ञानी बाबा, चांद को रस्सी से खींचे। वे फिजिक्स नाम का कोई चीज है अभी दुनिया में या नहीं है? स्क्रिप्ट लिखते समय राइटर का दिमाग घुटनों के बीच में आ गया, तभी तो ऐसा सीन देखने को मिल रहा है। पांच चांद? वाह कंगारू के लौड़े वाह, देखो अपना पतला सा लिंग घुमा के एक चांद को 5 चांद बना दिया। अबे मंद बुद्धि, अपना पतला लंड सॉरी लिंग घुमा के अबे अपने हाथ में भी तो चांद ला के उसको दे सकता है, लेकिन नहीं। एपिसोड कैसे आगे बढ़ेगा? आपकी जानकारी के लिए बता दूं नवाब साहब की बाकी के 4 चांद नकली ही नहीं खतरनाक भी है। गलती से भी आपने गलत चांद चुन लिया तो वो आपकी गांड भी ले सकता है। अमन अमन जल्दी कीजिए वो जादूगर जीत जाएगा। हाँ हाँ हाँ, उसको तो पता ही नहीं है, कुछ ज्ञानी बाबा बोलेंगे तभी तो वो करेगा। अबे लौड़े की तरह आंट के ऊपर झूलने आ जाता है। जितना बोलूंगा इसके बारे में उतना ही कम है, इतना लंबा वीडियो बनेगा अगर पूरा वीडियो बनाऊंगा तो। Part 2 भी बनाना पड़ेगा इसका, लेकिन अभी के लिए इतना ही बहुत हो गया। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा वीडियो तो अपने हिसाब से जो लगता है कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।